कल उन्होंने एक देश को किसानों के लिए एक देश एक मंडी उन्होंने समर्पित किया। अभी क्या था कि पंजाब का किसान पंजाब की ही मंडी में अपने अनाज बेचेगा, पंजाब से बाहर वो नहीं जा सकता है। बिहार का किसान बिहार में जो होने वाला मक्का है, आलू है, या बिहार में जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, गन्ना निकलता है, वो बिहार में ही बेचेगा, बिहार से बाहर नहीं जा सकता था। वो बिहार में बाहर के आए हुए व्यापारियों को हाथ में माल अपने बेचता था। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक देश एक मंडी, किसान चाहे वो देश के किसी भी कोने में जाकर बेच सकता है। एमएसपी के पर भी उन लोगों ने कल चर्चा की कि एमएसपी हटा दिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि एमएसपी चालू रहेगा, लागू रहेगा, समर्थन मूल्य हर किसान को उससे मिनिमम में कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, जो भी खरीदना होगा उससे ऊपर लिया जाएगा, और आप स्वतंत्र हैं कि देश के जिस मंडी में आपको लगे आप वहां जाकर अपनी फसल का उचित दाम ले और आपकी आय बढ़े। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है किसानों का आय दुगुना करने का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री के पक्ष विपक्ष को समझाने की कोशिश की गई, तो क्या अपने सहयोगों को भी समझाने की कोशिश में प्रधानमंत्री जी विफल रहे, जिसके कारण हरसिमरत कौर बादल छोड़ के गए? नहीं, वो पंजाब की अपनी राजनीति है। देखिए, उनको मजबूरी बस उन्होंने छोड़ा है, कोई वो भी बात समझ रही थी। जब कैबिनेट में ये बिल आया था और कैबिनेट से जब ये पारित हुआ था, तो उस कैबिनेट में माननीय हमारी मंत्री महोदया भी मौजूद थी। परंतु अभी पूरा पंजाब इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो पंजाब की सरकार ने गुमराह कर रखा है वहां के किसानों को, तो वहां के पॉलिटिक्स के तहत उनको भी किसानों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। किसानों ने उनसे कहा कि आप हमारे हित के हो कि अपने हित के हो, तो उन्होंने कहा सब हम लोग सब आपके हित के लिए, तो आप रिजाइन करो और जब प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। तो इसलिए कोई उन्होंने समर्थन वापस की बात की है केंद्र सरकार के साथ, उन्होंने अपने इस किसानों के साथ देने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,